लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी का दौर जारी है, जहां एक ओर बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद और तुष्टीकरण करने की राजनीति का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने 30 दिन और 30 सवाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने गुरुवार को लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने 10 साल में देश का क्या हाल कर दिया है। आज देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। अभय दुबे ने आगे कहा कि मोदी सरकार के 10 साल में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। इसके अलावा उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों, गरीबों के मुद्दों पर हमला बोलते हुए 30 दिन 30 सवाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया। 28 फरवरी 2016 को कहा था कि 22 तक आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा। वो आमदनी एनएसएसओ ने हमें बताया कि 27 रुपए प्रतिदिन रहेगी। 27 रुपए प्रतिदिन क्यों रहेगी? क्योंकि जो खेती की लागत थी, जो इनपुट कॉस्ट थी, उसमें कृषि यंत्रों पर जैसे ट्रैक्टर के टायर से लेकर ट्रैक्टर पार्ट पर 12-18% तक जीएसटी है, खाद पर जीएसटी है, कीटनाशक पर जीएसटी लगा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम 60-65 रुपए से 100 रुपए तक पहुंचा दिया, तो 25,000 रुपए हेक्टर खेती की लागत बढ़ गई। खेत मजदूरों को मजदूरी पर्याप्त मिली नहीं, और जो दूसरे मजदूर थे आपने देखा शर्मनाक तरीके से, उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में जहां से प्रधानमंत्री जीतते हैं सिर्फ 7 रुपए मनरेगा के बढ़ाएगा, 230 से 237, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की थी कि इस महंगाई के युग में कम से कम 375 रुपीज कीजिएगा, जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि 700 रुपए का। उसके बाद गृहणियां 2,615,000 गृहणियों ने आत्महत्या की। गृहणियों के आत्महत्या करने की वजह आज साफ दिखाई देती है कि आमदनी बढ़ी नहीं। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी कि 84% लोगों की आमदनी हिंदुस्तान में घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार कम हो गए, और महंगाई की आग में गृहणियों को झोंक दिया गया। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1,000 रुपए के पार कर दिया। जो दाल तेल 60-65 रुपए के थे प्रति किलो वो 200 रुपए के पार हो गए, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गया। और ये कब हुआ? जब अनाज का पर्याप्त उत्पादन था तो कुछ होल्डर्स ने होल्डिंग की और आर्टिफिशियल प्राइसेस बनाकर दाम दाल के बढ़ा दिए, तेल के बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम थे, फिर भी ये कहते थे हम डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आएंगे, और ये लेकर आए 2017 में। इस देश को वादा किया था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो सीधे आपके खाते में ट्रांसलेट कर देंगे। इन्होंने कहा था इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ गए तो भी आप पर वजन नहीं आएगा, मगर 40,00,000 करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डाका डालकर इन्होंने कमाए, देश के नागरिकों को उसका लाभ मिले। कहानी का सार यह है कि एक ऐसा देश बना दिया इन्होंने, जब ये कहते हैं कि पांचवी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, तो ऐसा देश का निर्माण किया जिसमें 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा धन चला गया, 1% लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% संसाधन चले गए। एक ऐसी इकोनॉमी का इन्होंने निर्माण किया, उसका परिणाम यह हुआ कि मोदी सरकार सत्ता की भूख में मरी जा रही है और देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, फसलों के बढ़ते दाम की बलिवेदी पर मौत को गले लगा रही है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जो अमित शाह साहब ने आपकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं उसका आपके पास क्या जवाब है प्रधानमंत्री जी? मैं ये पूरा चार्ट ईयर वाइज आपको हम सौंप रहे हैं, और कहानी जब अंतिम पायदान पर पहुंचती है तो उत्तर प्रदेश में भी 22 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश पर भी गंभीर आरोप अमित शाह साहब ने, गृह मंत्रालय ने, राज्य और केंद्र की दोनों की सरकार पर लगाया है। देश के प्रधानमंत्री जी, जब आप किसान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, मंगलसूत्र, मटन, मछली,
भेंट से लेके काले धन के टेम्पो तक आ गए तो अमित शाह साहब के इन आरोपों का जवाब आपको देना चाहिए।